देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरें। कोरोना महामारी के बीच सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इसी बीच खबर है कि मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और परवेश साहिब सिंह समेत 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें पीजीआई लखनऊ में भर्ती करवाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों को फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को दी है। सरकार ने अदालत में कहा कि शहरी विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दिल्ली सरकार एक साथ बैठकर 4 हफ्तों में इस मामले का हल निकालेंगे। तब तक झुग्गियों को नहीं ढहाया जाएगा। कोरोना वायरस महामारी के बीच सोमवार को संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार को प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर घेरा। विपक्ष ने सरकार से सवाल किया कि लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, क्या सरकार के पास इसके संबंध में कोई डाटा है। इस पर केंद्र ने कहा है कि सरकार के पास प्रवासी मजदूरों की मौत की संख्या को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। भाजपा सांसद रवि किशन ने पड़ोसी देशों के मादक पदार्थों की तस्करी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की ओर से इसके सेवन को लेकर एनसीबी की ओर से की जा रही जांच का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया। इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। किसानों के लिए लाए जा रहे 3 अध्यादेशों का विरोध करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में किसानों का प्रदर्शन सोमवार सुबह शुरू हुआ था। हालांकि इस प्रदर्शन को दोपहर में ही खत्म कर दिया गया। इस प्रदर्शन में योगेंद्र यादव समेत करीब 20 किसान मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश को लेकर किए गए ट्वीट और अवमानना के मामले में दोषी पाए गए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने जुर्माने की राशि जमा कर दी है। साथ ही प्रशांत भूषण ने ये भी कहा कि वो अदालत का फैसला स्वीकार नहीं करते और इसके खिलाफ कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने जा रहे हैं। मुंबई में 5 दिन बिताने के बाद कंगना रनौत सोमवार को बहन रंगोली के साथ मनाली के लिए रवाना हो गई। वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंची थी। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचने पर उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब मुंबई में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही। उन्होंने इसके पीछे वजह शिवसेना के सोनिया सिन्हा होने को बताया है। भारत में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि इस दौरान वायरस से उबरने वाले मरीजों की संख्या इसी रफ्तार से बढ़ रही है। सोमवार को भारत ने कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की संख्या के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। चीन की तरफ से दोनों देशों के बीच शांति बहाली की बात कही जा रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि बीजिंग ने नई दिल्ली को लेकर अपने रुख में कोई परिवर्तन नहीं किया है। गौरतलब है कि इस अखबार ने कई दफा भारत के साथ युद्ध करने की बात को दोहराया था। देश विदेश की ताजा तरीन और बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।